जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात और ऐसे में आज 18 सितंबर पहला फेज़, और अगर हम ज़िला कुलगाम की बात करें तो स्पेशली जो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें जो सबसे बड़े दावेदार है इस सीट के सीपीआईएम के सीनियर लीडर और साबिक रुकने असेंबली मोहम्मद सुब तारीगामी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ तारीगाम जो है इनका इलाका, और यहाँ मकामी पोलिंग बूथ पे आज वोट डालने के लिए पहुँचे हमारे साथ मौजूद हैं। सर खैर मकदम, न्यूज़ 18 में ये बताइए कि आज का दिन क्या माने रखता है, स्पेशली आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, कुलगाम के आवाम के लिए ये एक पैगाम लेकर आया है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अपने हक का इस्तेमाल करें और अपने नुमाइंदों को चुने जो रहनुमाई कर सके, जो आवाज़ उठा सके उनके उन मसाइल के बारे में जिनको हमसे छीना गया, और उस दर्द को का इलाज ढूंढे जिस दर्द का सामना कर रहे हैं हमारे आवाम गाँव शहर में, हर सतह पर और हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले, हर कम्युनिटी, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले। ये एक मेरे ख्याल में हमारे लोग समझते हैं किस दौर से वो गुज़र रहे हैं, किन मुश्किलात से का सामना है उन्हें। बेरोज़गारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, पकड़ रकड़ का सवाल है, खौफ डर का सवाल है। यार ये सभी हमारे नौजवानों को, लोगों को सहने पड़ते हैं, वो रास्ता चाहते हैं। एक रास्ता मिला 6 साल के बाद कि वोट डालो, अपने नुमाइंदे चुनो। मुझे उम्मीद है कुलगाम के आवाम का इस सेगमेंट का फैसला होगा जिस पर न सिर्फ कुलगाम के आवाम को फख्र रहेगा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को भी फख्र रहेगा, क्योंकि उन सब की उम्मीदें वाबस्ता है कि आवाज़ उठे उनके हक में। जम्मू कश्मीर में इस सीट पे काफ़ी नज़रें मरकूज़ हैं, आपके मुखालफीन भी कोशिशें कर रहे हैं, ठीक, कैसे देखते हैं? मुझे बताइए, क्या लड़ना हो तो एकतरफा लड़ाई ये दोतरफा होती है, और उसमें जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे मज़ा आता है जब मुकाबला हो, और मुकाबले में कोई गिर जाए तो उसमें भी खुशी आती है मुझे, और ऐसे जान होनी चाहिए। सिर्फ दुख मुझे सिर्फ यही है कि पर्दे के पीछे मुंह छुपाना ठीक नहीं, सामने आते दो दो हाथ भी हो जाते, बातें भी हो जाते, मुकाबला भी हो जाते, उसमें ज़्यादा ही मज़ा था। कुछ घंटे हैं अभी पोलिंग के, चूंकि अभी इब्तिदा है और शाम तक पोलिंग चलेगी। आप ये बताइए कि अपने आवाम के लिए, स्पेशली कुलगाम के लिए क्या मैसेज रहेगा, और वो आपको वोट क्यों करेंगे? मैं सिर्फ उनसे ये कहूँगा कि वोट बड़ी तादाद में डालें, बड़ी तादाद में। ये 6 साल के बाद ये एक मौका मिला है हमारे आवाम के लिए, कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहा, दरीचा खुला नहीं रहा, हंसने, घूमने और फिर आंसू बहाने के लिए भी कोई जगह नहीं। ये मौका है यार, मैं नहीं कहूँगा हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर लेंगे, आंसू और दर्द को बांटेंगे हम आवाम के सामने, मुल्क के सामने। ये है हमारे लोगों का हाल जिनके बारे में आपको गलत तस्वीर पेश की गई है मुल्क भर में। हमारे लोग जीना चाहते हैं, वो कब्र नहीं चाहते, वो जेल नहीं चाहते हैं, वो FIR नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग जो हैं सियासी मसाइल को जो हैं उभारते हैं, उछालते हैं, तो आपने हमेशा पक्ष रखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबेन बातचीत का, और दीगर जो सियासी मसाइल है उनकी उनका उनका आपने फेवर किया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मेरा वतन और मेरे वतन के लोगों ने पिछले कई सालों से, 40 साल, 35 साल से जो सहा, कब्रिस्तान भरे पड़े, और कौन मरा, कौन मरा, क्या मेरा ही मरा ना, उस गोली से मरा या इस गोली से मरा, सीना तो मेरे कश्मीरी नौजवान का ही था ना। और उस माँ को क्या कहिए, उस माँ के लिए वो मुल्क, ये मुल्क बैद में है, पहले उसका बच्चा है ना। तो इसीलिए अमन चाहिए, हमारे नौजवान अमन चाहते हैं, सर उठाकर जीना चाहते हैं, और इसीलिए हम, हमारा मानना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इनको अपनाओ, धकेलो मत दूर, अपनाने की कोशिश कर लो। ये नौजवान भी अमन के ख्वाहिशमंद है, और इसी वजह से मुल्क के लिए ज़रूरी है कि अमन यहाँ रहे,
जम्मू कश्मीर में रहे और उसके लिए बरसगीर में भी हाँ बरसगीर उसके लिए ज़रूरी है कि बरसगीर में अमन रहे। जम्मू कश्मीर में अमन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि बरसगीर में तनाव न रहे, टकराव ना रहे, और इसीलिए हमारी अपील रही है पहले और अब भी रहेगी आने वाले वक्त में। और मैं असम्बली में बोलूँगा यार बारूद नहीं उधर से, बारूद नहीं इधर से, कुछ और सोचो, फूल बरसें और ताकि हमारे लोगों को उस पार इस पार खेती करने का मौका मिले, ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। हर तरबी से काम लेना ना हमारे मुफाद में है ना उनके मुफाद में है, उनसे भी अपील इनसे भी अपील, हर एक बार तो गले लग। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे CPIM के सीनियर लीडर और फॉर्मर MLA, इसके साथ साथ जो है उम्मीदवार बराए हल्का इंतखाब कुलगाम MY तारिगामी, इनका ये कहना कि बातचीत मसाइल का हल है और लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए और अपने हक की राय दी का इस्तेमाल करना चाहिए। जोर रिजवी, News18 नेटवर्क, तारिगाम कुलगाम।